आप सभी व्यूवर्स का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम इस वीडियो में बात करेंगे शाला दर्पण पर आई एक और नई अपडेट के बारे में। इसके अंतर्गत अब शाला दर्पण पर प्रत्येक स्कूल में वॉलेंटियर प्रशिक्षण है, तो वॉलेंटियर की एंट्री फीड करनी है। इसके अंतर्गत क्या रहेगी वॉलेंटियर की चयन प्रक्रिया, प्रत्येक स्कूल को कितने वॉलेंटियर चुनने हैं, इसकी लास्ट डेट और संपूर्ण दिशा निर्देश, साथ ही शाला दर्पण पर इसे किस तरह से अपडेट करना है, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि एजुकेशन रिलेटेड हर नई अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले और आप रह पाएँ अपडेटेड। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। हम चलते हैं सीधे आदेश की ओर, जिसमें हम जानेंगे संपूर्ण दिशा निर्देश। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का 24/12/2021 का निकला हुआ आदेश है। इसमें मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा समस्त जिलों को लिखा है। इसमें विषय है वॉलेंटियर प्रशिक्षण है, तो विद्यालय स्तर पर वॉलेंटियर्स का चयन व शाला दर्पण पोर्टल पर उनकी फीडिंग। इसमें आप देख पाएंगे कि उपरोक्त विषय में हम संदर्भित पत्र में दिशा निर्देश है, तो वॉलेंटियर प्रशिक्षण है, तो विद्यालय स्तर पर 10 से 20 वॉलेंटियर्स का चयन किया जाना है। आप देखें इसमें हमें प्रत्येक विद्यालय स्तर पर 10 से 20 वॉलेंटियर्स का चयन करना है। अब वॉलेंटियर्स की क्या शर्त है, इसमें आगे देख सकते हैं आप। वॉलेंटियर साक्षर होने चाहिए या सेवानिवृत्त शिक्षक हो सकते हैं या सेवानिवृत्त सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो सकते हैं, भूतपूर्व विद्यार्थी हो सकते हैं, भूतपूर्व सैनिक हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षाविद एवं अन्य शामिल हो सकते हैं। वॉलेंटियर प्रशिक्षण हेतु शाला दर्पण पर एक मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिसे हम थोड़ी इसी वीडियो में भी देखेंगे। उस मॉड्यूल में भी पूरा काम हम करके देखेंगे, जिसमें विद्यालय स्तर पर चयनित सभी वॉलेंटियर की सूचना फीड करनी है। जिस मॉड्यूल की हम बात कर रहे हैं उसको हम अभी शाला दर्पण पर देखेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं नीचे, इसमें विद्यालय के संस्था प्रधान या प्रधानाचार्य को निर्देशित करें कि आप अपने विद्यालय में 10 से 20 वॉलेंटियर का दिशा निर्देश अनुसार चयन कर 31/12/2021 इसकी लास्ट डेट दी है। आप देखें 24 का आदेश है, इस 25 से हमारे स्कूलों में छुट्टी लग जाएगी और 31 तक अवकाश रहेगा। इस अवकाश काल में शाला दर्पण पर यह काम दिया गया है और इस ताकि ये फीड करना है, जिससे वॉलेंटियर का एक दिवसीय विद्यालय स्तर का प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है। अब हम चलते हैं शाला दर्पण पर और देखते हैं ये वॉलेंटियर मॉड्यूल किस तरह से हमें और कहां से मिलेगा और इसमें किस तरह से हमें हमारी एंट्री फीड करनी है। हम हमारे शाला दर्पण पर आ चुके हैं, आप लॉगिन कर लें। स्कूल लॉगिन और आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। इसमें आप नीचे देख पा रहे होंगे एक विविध का ऑप्शन है, हम इस विविध के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम विविध के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने से इस तरह से मॉड्यूल खुल के सभी मॉड्यूल सामने आ चुके होंगे। इसमें आप देख पाएंगे एड वॉलेंटियर्स डिटेल का नाम से एक टैब शुरू हुआ है, हमें इस पर करना है क्लिक। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हम सबसे पहले वॉलेंटियर डिटेल से पहले हमारे विद्यालय का विवरण आएगा, जिला, पंचायत, ब्लॉक, गाँव, विद्यालय का नाम, संस्था प्रधान का नाम और संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर। इसके नीचे हमें मिलेगा वो जो वॉलेंटियर है उसकी डिटेल भरने का ऑप्शन, जहाँ पर आप देख सकेंगे स्वयंसेवी का नाम लिखना है सबसे पहले, फिर उसके बाद उसके पिता का नाम, उसकी उम्र, उसका जो भी जेंडर है वो हमें यहाँ दर्शाना है, उसके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी उसकी अधिकतम योग्यता होगी वो यहाँ दर्शानी है। अगर विशेषज्ञता अगर कोई क्षेत्र में रखते हैं तो यहाँ उन्हें स्क्रॉल करके सेलेक्ट करनी है। शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण का कोई भी अनुभव हो तो यस करना है, नहीं हो तो नहीं, और कोई विशेष विवरण अगर आपको लगता है तो वो यहाँ भरकर यहाँ नीचे दिए सेव पर आप क्लिक करके सेव कर दें। इसी तरह से हमें सारी डिटेल जितने भी वॉलेंटियर्स हैं उनकी एक एक कर इस तरह से हमें डिटेल फीड करनी है। और ये नीचे आप जैसे ही भरते जाएंगे नीचे लिस्ट बन के शो होती जाएगी कि आपने इतने एंट्रीज कर दी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और भी साथियों तक पहुँचाएँ। आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि एजुकेशन रिलेटेड हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।